नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न 10 हम करने जा रहे हैं। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे सामने यह एक आकृति है, हमें सिद्ध करना है कि यह समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। हमें इसके दो कोण दिए गए हैं, यह है 80 डिग्री और यह है 100 डिग्री। आइए हम इनका योग निकालते हैं। कोण L प्लस कोण M, कोण L है 80 डिग्री और कोण M है 100 डिग्री, इनका योग आया है 180 डिग्री। हमें पता है ये दो भुजाएं हैं और यह है एक तिर्यक रेखा। यदि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। हमने समांतर भुजाओं का, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का यह गुण पढ़ा है, समांतर भुजाओं का यह गुण पढ़ा है कि यदि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। इसका अर्थ है, देखिए KL और NM ये दो भुजाएं हैं, LM इसकी तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर के अंदर वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री है। इसका अर्थ है कि MN और KL ये एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसका अर्थ है कि KL और MN समांतर भुजाएं हैं। और यदि दूसरे कोण हमें नहीं दिए गए हैं इसलिए उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसका अर्थ यह है, दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ दो ही कोण हमें दिए गए हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिससे सिद्ध हुआ कि KL MN के बराबर है। और अगर सिर्फ एक ही युग्म, एक ही जोड़ा भुजाओं का बराबर है तो इससे सिद्ध होता है कि यह आकृति, क्योंकि सिर्फ एक ही जोड़ा समांतर है इसलिए यह आकृति एक समलंब है। यदि दोनों बराबर हो, दोनों भुजाओं के जोड़े समांतर होते तो हम कहते कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर केवल एक ही जोड़ा समांतर है, इसका अर्थ है कि यह आकृति एक समलंब है। और आपसे पूछा गया कि कौन सी भुजाएं समांतर हैं, KL और MN भुजाएं इसकी आपस में समांतर हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।